हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देव कोचिंग सीबीएसई गुरु। हम आज आपको आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं कि जो रूल्स रिगार्डिंग एज पास फेल कंपार्टमेंट इन सीबीएसई क्लास टेंथ। तो क्लास टेंथ में जो नया रूल्स आया है उसके रिगार्डिंग हम आज आपको ये वीडियो में उसके बारे में हम बताएंगे, उसके डिटेल मैं बताऊँगा, ठीक है। तो माई डियर स्टूडेंट, माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सीबीएसई। आपको एक मतलब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगा, इस चैनल पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया जाएगा। मैक्सिमम ये मतलब ट्राई किया जाएगा बेस्ट लेवल पे कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन हो ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो और जो सीबीएसई के द्वारा ही जारी किया गया हो। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया जाएगा जो आपके टाइम और प्लस मतलब टाइम कंज्यूम करे और आपके माइंड को डाइवर्ट करे, ठीक है। तो ये रूल्स रिगार्डिंग पास फेल कंपार्टमेंट इन सीबीएसई के रिलेटेड वीडियो है ये, ठीक है। और क्लास टेंथ के बारे में हम बताएंगे। अगर क्लास ट्वेल्थ का किसी का भी चाहिए तो हमसे वो कमेंट करेंगे तो क्लास ट्वेल्थ का भी बना देंगे, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं क्लास टेंथ के बारे में जो सीबीएसई ने जारी किया है वो क्या है। तो आप देखिए जो रूल्स रिगार्डिंग, ये जो रूल है, ठीक है, अगर आप रूल देखते हैं कि रूल्स रिगार्डिंग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, सेकेंडरी मतलब 9th 10th होता है, सीनियर सेकेंडरी 11th 12th होता है, तो सेकेंडरी, तो रिजल्ट्स क्राइटेरिया जो है, कैटेगरी ऑफ रिजल्ट्स विल बी रिफ्लेक्टेड एज पास फेल एंड कंपार्टमेंट, जो एग्जिस्टिंग रूल था, तो एग्जिस्टिंग रूल रूल 15(3) जो था, रिजल्ट सेल इंडिकेट द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ द कैंडिडेट विद द मार्क्स एंड ग्रेड्स, मार्क्स भी था ग्रेड्स भी था, obtained by the candidate along with his and her status, pass, fail and compartment in the respect of the senior secondary certificate examination eligible for qualifying certificate and qualified for admission to higher class eligible for improvement of performance in the respect to secondary school examination in gadget kept in the office of the board। ये जो रिजिस्टिंग रूल था, लेकिन जो न्यू रूल 53 है अमेंड करने के बाद जो क्या है, अब देखिए, तो द रिजल्ट सेल इंडिकेट द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट विद द मार्क्स ग्रेड्स ऑब्टेंड, मार्क ग्रेड तो होगा ही होगा, ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट अलोंग हिज एंड हर स्टेटस दैट इज पास एंड फेल इन कंपार्टमेंट रिस्पेक्ट टू द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड द पास फेल कंपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इन गैजेट केप्ट इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये मतलब रूल एग्जिस्टिंग था, ये अमेंडेड रूल था। अगर हम नेक्स्ट अब रूल देखते हैं कि जो फॉर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो पास हो जाएंगे अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, 33% इस बार तो कमी 33% कर दिया गया ओवरऑल। एग्जिस्टिंग रूल है जो एलिजिबिलिटी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अ कैंडिडेट ऑब्टेनिंग ग्रेड्स E1 एंड E2, ये फेल माना जाता है, डी के जो होता है डी के ऊपर या डी जो पास माना जाता है, एनी ऑल द 5 सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं अंडर द स्कॉलिस्ट एरिया ए एज पर द स्कीम ऑफ द स्टडीज ज्वाइंटली एग्जामिन्ड बाय द स्कूल एंड द बोर्ड शैल बी एलिजिबल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन एनी एंड ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। तो अब देखिए, अब जो नया रूल क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर कंपार्टमेंट सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कैंडिडेट ऑफरिंग 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट्स है उनके पास, फॉर कैंडिडेट ऑफरिंग 5 सब्जेक्ट्स फेलिंग इन 2 सब्जेक्ट ऑफ द 5 सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी प्लेस इन द कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड ही एंड सी क्वालिफाइज इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए दिया जाएगा अगर फेल है तो, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं, कैंडिडेट ऑफरिंग एडिशनल एनएस जो है, ठीक है, एनएसक्यूएफ जो है, ओकेशनल सब्जेक्ट जो है, कैंडिडेट फेलिंग इन द 2 ऑफ द 6 सब्जेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी प्लेस इन द कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड एएनसी क्वालिफाइज इन ऑल सब्जेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट। ये जो है एनएसक्यूएफ की बात कर रहा है। और एकेडमिक इलेक्टिव जो है, इलेक्टिव में क्या है, कैंडिडेट ऑफरिंग द अदर एकेडमिक इलेक्टिव एज एडिशनल सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, कैंडिडेट फेलिंग इन द 2 ऑफ द 6 सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी प्लेस इन द कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट प्रोवाइडेड एएनसी क्वालिफाइज इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल जो है उस पर कर दिया जाएगा। अ लैंग्वेज ऑफर्ड एट द एडिशनल सब्जेक्ट मे रिप्लेस अ लैंग्वेज इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट फेलिंग इन द सेम प्रोवाइडेड आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट हैज इंग्लिश हिंदी एज वन ऑफ द लैंग्वेज, रिप्लेसमेंट शैल सेटिस्फाई द कंडीशन एज लेड डाउन द स्कीम ऑफ द स्टडीज, ठीक है, देर विल नॉट बी एनी रिप्लेसमेंट फैसिलिटी ऑफ अदर एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाई द सच कैंडिडेट्स। ये था। अब अगर हम बात करें
नीचे जो है सीनियर सेकेंडरी का दिया गया, सीनियर सेकेंडरी का हम बताएंगे, ये टेंथ का था, ठीक है। इस बार दो में आप कंपार्टमेंट फॉर्म मतलब कंपार्टमेंट भर सकते हैं, दो में ये जो है ना दो कंपार्टमेंट मतलब आप डाल फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएँ और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।